in here. चिन्नू, ऐसे कोई करता है क्या? चल बाहर चल। इसने तो मुझे डरा ही दिया। हे माँ, जब देखो तब शैतानी करती है। कहाँ गई ये चिन्नू? यहीं पर है। सॉरी बेटी, मुझसे गुस्सा हो क्या? सॉरी चिन्नू। अब जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप हमेशा मुझे डांटती हो। तो फिर तुमने जो किया वो सही था क्या? मम्मी को डर नहीं लगेगा क्या? ठीक है चलो, सॉरी बोल दिया ना। हाथी पे बैठा कर घुमाऊं क्या? ये भी नहीं। ठीक है, गुस्से को भगाने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? हाथी की कहानी? बिल्कुल नहीं। नहीं? बंदर की कहानी? वो भी नहीं सुननी। तो फिर भूत प्रेत की कहानी सुनाऊं क्या? हाँ सुनाओ। बोलो 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 बोलो। नल तो मैं बंद करके गई थी, फिर ये खुल कैसे गया? नल किसने चालू किया होगा? चिन्नू, बेटी चिन्नू, ऊपर का नल किसने खोला? चिन्नू, माँ को कुछ हो गया तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? सॉरी मम्मी, प्लीज मम्मी, अब ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मम्मी। ओके, अब दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है? ठीक है मम्मी। तू कभी भी अपनी माँ को परेशान मत करना बेटा, ठीक है ना? मम्मी, आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि भूत की कहानी सुनाओगी।
प्लीज मम्मी सुनाओ ना मम्मी प्लीज। तू अभी भी वो बात नहीं भूली? नहीं मम्मी। ठीक है, NH-37 रोड के बाईपास पर एक बहुत ही भयानक जंगल है। उस जंगल के अंदर लगभग 7-8 सालों से एक कार खड़ी थी। बहुत दिनों से वो कार उसी जगह पर खड़ी है जिसे एक चोर नोटिस कर रहा था। एक दिन रात को वो चोर उस कार को चुराने उसी जगह पर जाता है, लेकिन अगर आप स्टार्ट नहीं हुई ना तो जला दूंगा मैं इसे। उसने चोर को मार डाला? और क्या छोड़ेगी थोड़ी, उस कार ने चोर को मार डाला। कार कैसे चोर को मार सकती है? चिन्नू पहले पूरी कहानी तो सुन लो, उसके बाद तुम्हें सब समझ आएगा। तो सुनाओ। जो कहानी सुना रही हूँ वो है चार दोस्तों की। उन दोस्तों की कार खरीदने की बहुत इच्छा थी, लेकिन कम कीमत में चाहिए थी, इसीलिए वो एक गैरेज में जाते हैं। वहाँ पर एक गैरेज वाला उन्हें बहुत सारी कार दिखाता है। कार मतलब उन लड़कों के लिए पागलपन है, हमेशा उसी का भूत सवार रहता है। फाइनली इन लड़कों को वहाँ एक कार पसंद आ जाती है। सभी उसके ओनर के पास जाके कार की कीमत पूछते हैं। ओनर 1,00,000 रुपए मांगता है, जिसे सुनकर ये सारे लड़के चौंक जाते हैं। एक तो पुरानी कार उसके 1,00,000 रुपए मांग रहे हो। फिर ओनर बोलता है, नहीं 10,000 में ले लो, ऐसा बोलकर उन चारों की बेइज्जती कर देता है। फिर वही ओनर शांत होकर दोबारा उन लड़कों को वापस बुलाता है और कहता है, कम रेट में कोई कार मिलेगी तो इन्फॉर्म कर दूंगा, और इसी के साथ उनका मोबाइल नंबर ले लेता है। उस भूतिया कार के पास एक चोर और आता है। Thank you.
उस कार को देखकर वो एक प्लान बनाता है। और उसे भी मार डाला क्या? नहीं नहीं, वो कार उस चोर को नहीं मारती, पर वो जो चार दोस्त थे वो कार खरीदने के लिए गैरेज में गए थे ना, उसी गैरेज में ये चोर भी आता है। पता है क्यों? उस भूत वाली कार को बेचने के लिए। बाद में वो उस गैरेज वाले के पास जाकर उस कार के बारे में बताता है, जिसे वो बहुत ही कम कीमत में देने के लिए तैयार हो गया था। गैरेज वाला बोलता है कि उसके पास पहले से ही जो पड़ी है वही कार सेल नहीं हो रही, लेकिन बाद में वो उसे चार लड़कों के बारे में बताता है जिन्हें सस्ती कार चाहिए थी, और उसने उनका फोन नंबर उसे दे दिया और बोला कि आपस में बात करके डील फाइनल कर लो। फिर वो चोर नंबर लेकर क्या करता है? वो चोर वो नंबर लेकर उन चारों लड़कों को फोन करता है और उन्हें मिलने के लिए बुलाता है, साथ ही कार के बारे में सारी जानकारी देता है। उसके बाद वो चारों लड़के उस भूत वाली कार को देखने जाते हैं। देखने जाते हैं? वो लोग जंगल में जाते हैं? हाँ। अरे ये कौन सी जगह है, बहुत ही डरावनी लग रही है यार। हाँ यार। अरे वीरपन के पास लेके जा रहा है क्या? ए, चुप रहना। अरे चलना यार, बहुत डर लग रहा है। तू दिख नहीं रहा, मेरा फोन बज रहा है। फोन करना उसे, वो कहाँ रह गया, जल्दी बुला उसे। हेलो, कहाँ हो भाई, हम दिखाई दिए क्या? हाँ यहाँ पर हूँ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। जो आ रहा है वो भी चोर जैसा ही आ रहा है ना यार, जो करना जल्दी करो यार। यहाँ जब चारों लड़के वो कार देखने आते हैं तो वो चोर उस कार को अपना बताकर झूठ बोलता है और उस भूत वाली कार के पास अकेला जाता है। कहाँ गया वो पागल, अभी तो यहीं कहीं पर था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये चारों लड़के उस पागल को देखकर शॉक होकर पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो चोर कहता है, अरे कुछ नहीं, वो एक पागल है, इसीलिए उसे कार में लेटने देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पैसे दे दो और उस पागल को बाहर निकाल कर कार लेकर जा सकते हो। ऐसा बोलकर वो कार उन चारों को बेच देता है। वो चारों लड़के उस चोर की बातों में आकर कार से उस पागल को बाहर निकाल देते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यार। स्टार्ट नहीं हो रही है? अरे यार, ऐसी खटारा गाड़ी लोगे तो यही हाल होगा ना। इसने बोला था ये गाड़ी लेने के लिए, देखो स्टार्ट ही नहीं होती है। चलो धक्का मारते यार। हाँ चलो चल, अब धक्का मार। ये कैसी आवाज है? गाड़ी स्टार्ट हो गई, टाटा बाय बाय, हैप्पी जर्नी। अरे तू बस ऐसे ही गाड़ी मत चलाते जा, साइड में रोककर किसी से एड्रेस पूछ ले, नहीं तो हम लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे।
भाई, हम लोगों में सिर्फ तेरे अंदर हिम्मत है, इसीलिए हर जगह हम तुझे ही भेजते हैं। कार में और अब तेरे को ही जाना पड़ेगा। ये भी तो चलाता है ना, कोई जिसको डब्बा क्यों बोल रहा है, समझ गया ना? अरे मुझे क्यों मार रहे हो, इसमें मेरी क्या गलती है? अबे यार, अरे जाना है, बस कर यार, चल चल। अरे बिना तू ही जाएगा बेटा। अरे नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूंगा यार, माफी छोड़ूंगा तुझे मैं। ये तो पक्का कोई भूत बंगला है यार, चलो चलो जल्दी करो, यहाँ से निकलते हैं। अबे ऐसा क्या डर रहा है तू? दोबारा एड्रेस वगैरह पूछने के लिए मुझे भेजना मत, चल बैठा अभी। जब देखो मुझे भेजते रहते हो, हलाल करने के लिए मैं ही मिलता हूँ क्या? चलो बैठो, नेक्स्ट टाइम मुझे भेजाना तो देखना, छोड़ूंगा नहीं किसी को। ए चलना, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करना, ये पूरी जगह ही डरावनी लग रही है। क्या था यार, ये क्या था? अरे जल्दी चल यहाँ से, चल भाई गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी से। अरे यहाँ तो आगे डर मत यार, कोई भी नहीं है ना गाड़ी, चल जल्दी निकल यहाँ से, निकल। हाँ हाँ निकल रहे, निकल रहे। हे वहाँ पर एक आदमी दिख रहा है, चलो उससे एड्रेस पूछते हैं। गाड़ी साइड में रोक, साइड में रोक भाई। ओ भाई, ये हाईवे पर जाने वाला रास्ता कहाँ है? क्या कहा? हाईवे, हाईवे रोड, हाईवे रोड। एक काम करो, सीधा चले जाओ, वहाँ पर एक मठ मिलेगा, फिर वहाँ से राइट ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ए है, क्या डब्बा लेके घूम रहे ये ना? ड्राइव करने के बाद जैसे तैसे मुश्किल से निकलकर वो लोग उस कार को अपनी जगह पर लेकर आते हैं। कार खड़ी करके वो चारों लड़के आराम से सो जाते हैं। भूत वाली कार ने उन्हें कुछ नहीं किया। रुक जा चिन्नू, कहानी तो अब शुरू होगी। इन चारों लड़कों की दो लड़कियां भी फ्रेंड्स होती हैं। उनमें से एक का नाम अनुषा है। हेलो, हेलो, हमने कार ले ली है। कौन सी कार? सेकंड हैंड है।
अच्छा सेकंड हैंड। हाँ तुम रेडी रहना, हम लोग साथ में चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैं आ रहा हूँ। ठीक है। कल रात को एक कमाल का सपना आया था यार, बस रोमांस के जोन में जाने ही वाला था कि क्या हुआ, बीच में भूत आ गया क्या? क्या करूं यार, मेरा नसीब ही ऐसा है, सारा मजा खराब हो गया। चल कार में बैठ, बाकी सपना मैं पूरा करवाता हूं। यार ऐसे लग रहा है जैसे ये गाड़ी खींची चली जा रही है, अजीब सा फील है। ए भाई, तूने हमें ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दिया था, कैसे चलाता है यार तू? चलो बाहर निकलो यार। अरे ऐसा मैंने जानबूझ के थोड़ी किया, पहले तो बाहर निकलो। ए, तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? पेड़ को ठोका होता तो हम सीधा ऊपर जाते ना। अबे मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, लगता है शादी से पहले ही तुम लोग मुझे मार दोगे। ये क्या है भाई, जला हुआ ताजमहल, इसे इंजन में किसने रखा? क्या बे, देख रहा है ताजमहल की जल के क्या हालत हो गई है? हाँ यार। अरे छोड़ना, चलो यार। हाँ चलो। डर मत, कुछ नहीं होगा भाई, घबरा मत, अब स्वामी जी जैसा बोलेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। स्वामी,
उस कार को खरीद कर बहुत बड़ी गलती की है। उस कार को छोड़कर चले जाओ। अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तुम लोगों को बचा लूंगा, और अगर नहीं मानी तो आने वाली पूर्णिमा को अगर उसने तुम लोगों को पहचान लिया तो वो तुम्हें मार डालेगी। मार डालेगी, मार डालेगी। ठीक है स्वामी जी, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। यार वो टकलू बोल रहा है पहचान लेगी तो हमारी जान ले लेगी। मैं तो अपने सारे आईडी फाड़ के फेंक देता हूँ, वही अच्छा रहेगा, तभी वो मुझे पहचान नहीं पाएगी। यहाँ आई है वो काम मैं होने नहीं दूंगा। हाय हाय, अरे बाप रे, एक औरत पर इस तरह कोई चिल्लाता है क्या? समझ में नहीं आता तुझे? जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं तुझे कुछ भी करने नहीं दूंगा। मैं भी देखती हूँ तू उन्हें कैसे बचाता है। तूने जो उन्हें बताया वो उसे कहानी मानकर मेरे कार के पास फिर से गए हैं, समझा क्या राजा? हिम्मत है तो आ, 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 आजा, आजा, आजा। मैं तुझे कुछ करने नहीं दूंगा, मैं हर जगह रहूंगा। प्रॉब्लम हुई है,
आज मैंने तुम्हारा कितना वेट किया है पता है? वो सब मैं मिलकर बताऊंगा। एक मिनट। क्या हुआ जानू? वैसे तुमने कौन सी कार खरीदी है? फिएट है यार, बट ओल्ड मॉडल है। छी, ऐसे डिब्बा कार में तो मैं नहीं बैठने वाली। अरे एक बार कार को देख तो लो, फिर बोलना जो करना है वो करो। बाय। क्या हुआ चिन्नू? चिन्नू क्या हुआ? एक ग्लास पानी दो ना मम्मी। अच्छा ठीक है, मैं लाती हूँ, तुम डरो मत। हाँ लाती हूँ, रुको। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस लड़की ने कार को डब्बा कार बोला ना, इसीलिए भूत आ गया। हाँ अरे उस कार को रिपेयर करवाने के लिए वो लोग उसी गैरेज में लेकर आते हैं। गैरेज वाले उस कार को बहुत ही सुपर तरीके से तैयार करते हैं, जिसे देखकर वो चारों लड़के शॉक रह जाते हैं। सपना छी, कितना बुरा सपना था। मम्मी आपने कहानी तो पूरी सुनाई ही नहीं। चिन्नू अभी बहुत देर हो गई है,
तुम सो जाओ बेटी, कल सुना दूंगी। नहीं मम्मी, मुझे अभी सुनना है, प्लीज प्लीज सुनाओ ना। प्लीज अभी सुनाओ ना मम्मी प्लीज। तुझे अभी तक नींद नहीं आई क्या? उसके बाद वो चारों लड़के और साथ में दोनों लड़कियां मिलकर ऐसे ही घूमने के लिए निकलते हैं। जाते वक्त रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। फिर से क्या हो गया इस गाड़ी को? पता नहीं यार। अरे यार, हम अगर चलकर भी आते ना तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। फालतू में इस कार के भरोसे आ गए, मेरी बात सुनते नहीं ना। हाँ चलो, मैंने पहले ही कहा था ये गाड़ी ठीक नहीं है। क्या यार, कैसे डब्बा कर लेकर आए हो? नहीं आना चाहिए था तुम्हारे साथ, फालतू में यहाँ आकर फंस गई। अरे यार, हमने खटारा गाड़ी ले ली, 3 महीने पहले ही निकलना होगा अगर 300 किलोमीटर तय करना है तो। खटारा कहीं की। तूने मारा क्यों बे? कार खराब होने की वजह से तो मैं खुद टेंशन में हूँ, मैं तुझे क्यों मारूंगा भाई? जो बोलना है मुंह से बोल यार, बेकार में हाथ क्यों चला रहा है? हाँ क्या हुआ, क्या खराबी है इसमें? रुक जाना भाई, पहले दिखने तो दे, फिर बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये गाड़ी भी काम की नहीं और मैकेनिक भी काम का नहीं है। चलो यार, पता नहीं क्या हो गया इसे। वो बेचारा अकेला लगा है, जरा देखो काम नहीं है क्या तुम्हें? जाओ जरा वहाँ देखो, कुछ सीखो, बेचारा कब से अकेला लगा है। कुछ भी बोला फर्क ही नहीं पड़ता। अबे जल्दी से रेडी करना, क्या कर रहा है? अबे तुझे इतनी जल्दी है ना, तो आके खुद बना ले। गाड़ी रेडी कर दे, पता नहीं अभी और कितना टाइम लगेगा। चल भाई जल्दी कर। अरे जल्दी रेडी कर यार, तुझे आता है तो कर वरना छोड़ दे। लड़कियों के सामने ज्यादा हीरोपंती मत कर। तेरी तो क्या मजाक कर रहा है, छोड़ मुझे, पागल हो गया क्या? डरा दिया मुझे। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? वो कहीं का तू भी ना। अगर तुम्हें कार सही करवानी है तो रास्ते में मेरे फ्रेंड का गेस्ट हाउस है, वहाँ जाकर देखते हैं। हम सभी लोगों को इसी रास्ते पे जाना है ना? मे बी यही रास्ता हो। चलो ये
जगह तो अच्छी है, बट क्या होती चलते तो ये जगह और ही ज्यादा भयानक होती जा रही है। मुझे सच कहूँ तो मुझे भी डर लग रहा है। ओ माय गॉड, तुम लोगों की ये बातें मैं अपने कानों से सुन नहीं सकता। मैं हूँ ना, फिर डर क्यों रहे हो? अच्छा, खुद को शाहरुख समझ रहा है क्या? क्यों आए हो? वो मेरे फ्रेंड का गेस्ट हाउस इधर ही है, बस हमें वहीं जाना है। जंगल के इस रास्ते में भूत और प्रेत हैं, वापस चले जाओ। ठीक है, हम जाते हैं, हमें जाने दो। रुको, तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये सब क्या कर रही है? अरे मैं भी हूँ ना तेरे साथ, कुछ दिखा रहा है। चलो देखते हैं। ये ऐसे बैठ क्यों रहा है? जादू टोना करने वाला है क्या? तुम में से अगर किसी में दम है तो मेरे सामने आकर इसमें बैठो। ये दम है क्या बात कर रहा है? मेरा ऑलरेडी दम निकल चुका है, अब तो मेरा पीछे हटना ही बेहतर होगा, नहीं तो मेरी यही कब्र खुद जाएगी। ये तो पहले से पीछे हट गए। अरे बाप रे, ये मेरी तरफ ही देख रहा है। साले धोखे बाजो, दो क्या एक आना, आके बैठ, जल्दी बैठ। भगवान बचा ले। ये पत्थर जब खुद ब खुद यहाँ पर आएगा तब तू मानेगा ना कि भूत है। इसे ध्यान से देखते रहना, ये अपने आप हिलेगा, फिर तू मेरी बात मानेगा। पत्थर हिलेगा बोल रहा है, सुना? पत्थर हिलेगा बोल रहा था। गाड़ी तो पूरा हिला पाया। चल यहाँ से, रुको, मेरी बात मानो, रुक जाओ। मास्क लेकर आ गया और हमें डरा। रुक जाओ तुम लोग, रुको, चलो चलो। इन्हें मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। खराब हुई गाड़ी को गेस्ट हाउस में रहने वाले एक मैकेनिक से रिपेयरिंग करवा के वो लोग जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है पता है? हम लोग आगे निकलते हैं, तू जल्दी आना। हाँ यार राजा, चला जा। Thank you.
चल। चुड़ैल, तुझे देखकर तो मैं ही डर गया। तेरी तो अबे तेरी हमेशा तो यही करता है। पागल है क्या? आ रही है, आजा दिखाता हूं तुझे। मैंने वो कुछ तो देखा, कुछ तो देखा मैंने वहाँ, वहाँ कुछ तो है, कुछ तो है वहाँ, वहाँ बचाना, क्या बोल रहा है, वहाँ बचाना, कोई भी बचाना, बचाना वहाँ, कुछ तो है वहाँ पर, चलो चलते हैं यहाँ से, अरे मेरी बात तो सुनो, बचा वहाँ पर, अरे सुनो बचा, हे भगवान, मेरे सामने सब कुछ आता है, इनके सामने आएगा तभी इन्हें पता चलेगा, जाओ 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 मरो, जाके सब मरो, कन्फर्म है आज तुम लोग की लगने वाली है, मैंने देखा, अब तुम लोग भी देखो, जाओ। कहाँ गई है? अभी तक आई क्यों नहीं? उसी का इंतजार कर रहा हूँ, ये एंट्री कब देगी पता नहीं। अरे यार, इन भूतों में जिम्मेदारी नाम की चीज है या नहीं? अरे मुझे छोड़ के किसी और को टारगेट बना रही है क्या? हाँ, एक बार उन लोगों को अपनी शक्ल दिखा दे, तभी उन लोगों को मेरी बात पर विश्वास होगा। मैं उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? हाँ, ए, अरे रुको ना, जब देखो ये लोग मुझे अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। मैं तुम लोगों का साथ हमेशा देता हूँ, पर तुम लोग मेरा साथ छोड़कर भाग जाते हो।
बापरे, अरे तुम लोग इतना भाग कर क्यों आए? ए, और तू तो ऐसे घूम रहा था जैसे नौग्र घूमते हैं। तुझे ठीक से भागना नहीं आता क्या? लगता है सब लोग भाग भाग कर थक गए। चलो मैं सबको एंटरटेन करता हूँ अभी। अरे जाने तो, छोड़ो, मैं भी थक गया हूँ, मैं नहीं करूँगा। तालियां बजाना बराबर आता है। चलो सिगरेट पीता हूँ। सिगरेट को रजनी स्टाइल में जलाऊंगा तो कैसा रहेगा? ओए, चल सिगरेट फेंक। फिर चल गया। ए, वहां सेंसर बोर्ड ने डाल दिया है ना, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? चलो अब नाच ही लेता हूँ। ए, तुम्हारी तो ना, तुम लोगों पर विश्वास करना ही बेकार है। जब देखो मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हो। कैसे ये लोग अचानक गायब हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। भूत आया। हाँ, जाओ 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 कमरे में, जाओ भूत कमरे में। हाँ, जाओ जाओ जाओ, तुम लोगों को यकीन आएगा मेरी बात का। हाँ आजा आजा आजा, तू भी आजा, जा 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 जा, सब लोग जाओ। अभी कैसे भाग रहे हो? भागो भागो। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ। क्या हुआ तुम्हें? चलो यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ? कुछ बताओ ना। क्या? यहाँ से चलो, जल्दी चलो यहाँ से। क्या हुआ है तुझे? अरे बताओ ना। क्या हुआ? क्यों? क्या हुआ? बता भी दे। बताओ ना। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा गला दबा रहा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस बहुत हो गया, अब यहाँ से चलते हैं। देखो मुझे भी अजीब सा लग रहा है, यहाँ से चलते हैं यार। तू ना हमेशा इसके इशारों पर ही नाचता रहता है, चल जा। आया बड़ा। अरे कहाँ जाओगे? और तू डर मत, मैं हूँ ना, इन लोगों को जाने दे, तेरे साथ मैं हूँ ना। तुम लोगों को रहना है तो रहो, मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो यार? अरे मेरी बात तो सुनो। चलना यार, यहाँ से भूत के नाम से डर रहे हैं और चुड़ैल के पीछे भाग रही है ये। ये बटली कहाँ है, नजर नहीं आ रही है। हाँ वो रही, आजा 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 आजा, कमन कमन, आ गले लग जा। तेरी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? साला कबाब में हड्डी मेरी मामले में टांग आ रहा है, कीड़े पड़े इसको। क्या करूं मैं? कॉमेडी सीन के अलावा एक रोमांस का सीन भी दिया होता। अबे डायरेक्टर तू मिल मुझे, पर क्या करे, पेट का सवाल है, कुछ नहीं कर सकते। वहाँ देखा क्या? वहाँ पर कुछ था। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, भूत वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। आ जाओ, कम ऑन कम ऑन, आ जाओ। दिमाग खराब करता है। कम ऑन, तुम सबको एक मंत्र सिखाता हूँ, उसे ठीक से कहना, फिर सब ठीक हो जाएगा, सब खत्म है। ओके चलो सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। अगला पगला बम बम, चिकला पकला पम पम, आडम आडुम। इस मंत्र को ठीक से रट्टा मार के रख लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब सब मिलकर मस्त सेल्फी लेते हैं। अब जाओ जाओ, आराम से सो जाओ, जाओ। ओके गुड नाइट, चलो चलो सब लोग सो जाओ, गुड नाइट। हाँ हाँ, बाय। भगवान करे जल्दी सुबह हो जाए। सब चले गए, कल्टीमान में बहुत फास्ट है। कोई डरना मत, हाँ कोई डरना मत, मैं डरूंगा तो चलेगा। Thank you.
अकेला ना मेरे पीछे मत आ। क्यों डार्लिंग, मैं तुम्हारे पीछे क्यों नहीं आ सकता? बोला ना तुझसे मेरे पीछे मत आ। वॉइस में भी डिले। अच्छा मेरे पीछे आएगा तो मर जाएगा। मुझे मारेगी? चल मार 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 मार। आजा 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 मार 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 ना। ए हट चल भाग भाग यहाँ से। अच्छा खासा सपना खराब कर दिया, भागो। क्या ये भी? चलो चलो यार चलो। तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है इस रूम में? क्या बात कर रहे हो? हम लोगों ने खुद देखा है। इसी रूम में क्या? उसी रूम में। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग रुको मैं देख कर आता हूँ। मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है। आई एम हियर, नो फियर। नहीं यार मत जा, मत जा यार, मत जा यार, हमारी बात मान, हमारी बात मान ले, सुन मत जा यार, मत जा यार, वहाँ पर बात मानते हैं, वहाँ पे खतरा है यार। ओम हे बुद्धा, रक्षा करना, हिम्मत देना मुझे। कौन पागल हो गया क्या? ये जो कर रहा है उसे देखकर ही मुझे डर लग रहा है, लगता है इसके अंदर भूत आ गया है। ए मैं हूँ ना, फिक्र मत करो, चुपचाप बैठो। कौन है, कौन है तू? मैं हूँ विजय राजेंद्र बहादुर। तुम्हारी तो कमाल करते हो, खुद भी डरते हो और मुझे भी डराते हो। जी किसकी निकल गई? ए ऐसे डराओगे तो कैसे चलेगा, भागो ऐसे। मुझे डरा रहे हो, चलो जाओ। मैं तो सच में डर गया था। गरीब को ऐसे कुत्ते की तरह क्यों पीट रहा है? ए प्रदीप, बाथरूम से कुछ आवाज आ रही है यार, म्यूजिक कम कर तू। अरे कैसी आवाज है? चलो देखते हैं। है चलो देखते हैं।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तुम ज्यादा मत सोचो, पहले बाहर जाकर पता लगाते हैं कि आखिर बात क्या है, ठीक है? जब से ये कार लेकर आए हो तब से यही हो रहा है। चलो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर चल क्या रहा है यहाँ। चलो ना, जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो चलो। कहाँ? चलो हम लोग उस तरफ चलते हैं। आ जाना। एक काम करो, तुम दोनों ना उस तरफ जाओ, जाओ मैं यहाँ देखता हूँ। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? मैं हूं प्रदीप, चल उठ जा, उठ जा। क्या हो गया? शांत हो जा। हाँ हाँ शांत हो जा। क्या हुआ? तूने हर जगह ढूंढ लिया ना? ठीक है चल अब यहां से निकलते हैं। हाँ ठीक है चल। अरे मैं हूँ यार, तू भी ना। वो मिला क्या तुझे? नहीं यार। ठीक है चला जा उस तरफ देखते हैं। हाँ ठीक है। Hey!
तुम हो, तुम भी किसी भूत से कम नहीं हो। कहाँ गए थे तुम लोग? कोई मुझे अंदर ना दबाक 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 करके धो रहा था, पता है? पूरा बदन दर्द कर रहा है। जो आता है मुझे ही धोते रहता है। हे भगवान। कहाँ है वो? वहाँ पर है, देखो। हाँ, आजा मेरे भाई। कहाँ गया था बे तू? हाँ, लड़कियाँ तुम घुमाने जाते हो और यहाँ भटके मुझे पड़ते हैं। अरे ये सब क्या है यार? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है, इसलिए मुझे ही फटके पड़ते हैं। राजा, तू क्या कर लेगा? हम लोग चलकर देखते हैं। अबे तू भी साथ में चलना। ये लोग यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? हे, वो तुम्हें मिला कि नहीं? बताओ ना, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? ये हाँ। ये रहा। यही है। क्या हो गया यार, इतनी देर से कहाँ गायब हो गया था? पिकनिक पर गया था। मेरा मुंह मत खोल तू। हो गया था भाई? अरे वहाँ कुत्ते की तरह मार खाकर आया हूँ मैं। कहाँ गया था मत पूछ, मार दूंगा। तुझे क्या पता है बाथरूम में कितनी बास आ रही थी? जिस तरह वहाँ मुझे फटके पड़े, अगर तुझे पड़ते ना तब पता चलता तुझे। अरे बड़ा, अबे जा बे, जा ना, बेकार में परेशान कर रहा है। चल जा, बोला ना। अरे जा ना, क्यों बेकार में परेशान कर रहा है? यहाँ मैं अपनी टेंशन में हूँ, तू परेशान कर रहा है। हमेशा वक्त पर भाग जाते हैं। चलो भागो यहाँ से, भागो 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 भागो। के बाद क्या हुआ? उस स्वामी जी के साथ जो आत्मा झगड़ा करके भागी थी ना, वो एक किन्नर के शरीर में जाकर समा जाती है और फिर उसके बाद ए, कुमकुम देना। अंदर जाओ। Yeah.
मेरे लवर को कार से बाहर फेंकने वाला? मैंने कुछ नहीं किया। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। तीन फीट की भी नहीं है और मेरे कार को डब्बा बोल रही थी। मेरी तरह करके दिखा। नहीं, नहीं। करना करना। बाण में जाओ। चमक रही है, तुझे भरतनाट्यम आता है ना? चल मुझे भी सिखा। ऐसे करूं? बताना। करना 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 कर। तू जिम जाता है क्या? पिटा डालूंगी। तुम लोग मेरे लवर को मारकर मेरी कार लेकर आए हो, ऐसे में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी क्या? मरना होगा तुम लोगों को। ए, क्या है तुझे? हुआ क्या है? क्यों आई है यहाँ पर? जा यहाँ से। ए सुमन, स्वामी ठीक नहीं लग रहा है, चल यहाँ से। बोला ना जा। तो मुझे मारेगा? मैंने तुझे उसी दिन आगाह किया था, तेरी आत्मा भले ही किसी भी शरीर में चली जाए लेकिन मैं इन लोगों का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। तू बीच में मत आ, हट जा सामने से। उनसे अनजाने में हुई गलती को तू अपराध समझ बैठी है? चली जा, छोड़ दे इन्हें। इन्होंने कोई गलती नहीं की क्या?
इनकी वजह से तेरे साथ क्या अन्याय हुआ इन्हें भी पता चलना चाहिए। मैंने जिस लड़के से प्यार किया था वो बहुत ही अच्छा था। मैंने उसे कार मांगी थी और उसके लिए उसने अपने बाप से बोला। पापा मुझे कार चाहिए। पढ़ाई करने की उम्र में तुझे कार क्यों चाहिए? पापा मुझे कार चाहिए ही चाहिए। प्लीज पापा। मच पापा। जा बेटा तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अरे भैया वो जो मांगता है आप उसे दिला देते हैं, इस तरह से तो वो हाथ से निकल जाएगा ना। बच्चों की खुशी से बढ़कर हमें और क्या चाहिए? बाप का दिल है ना, कहां मानेगा। फिर वह मेरे लिए कार लेकर आया। ताजमहल उसके पास लेकर जाऊं या ना जाऊं, नहीं यही रहने देता हूं। मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। और मेरी जिंदगी को खत्म करने के लिए ऐसे ही हर पापी लोग मेरे पीछे आए थे। उन पापियों ने मेरे साथ बहुत गलत किया।
और उन लोगों ने मेरे हर्ष को मारकर किनारे फेंक दिया। और उसके बाद वो कार रास्ते में ही खड़ी कर कर चले गए। जिस दिन मैं मरी वो पूर्णिमा की रात थी। मैं तो मर गई थी लेकिन मेरी आत्मा उस कार को छोड़कर नहीं गई। उसके सर में चोट लगने की वजह से वो बाद में पागल हो गया। मेरे जाने के बाद भी उसने वो कार किसी को छूने भी नहीं दी। हमेशा वो कार के साथ ही रहता था। हम दोनों बेशक अलग हो गए थे पर साथ में ही जी रहे थे। इस कार को अगर कोई भी छूता या फिर चुराने की कोशिश करता तो मैं उसे जान से मार देती थी। तुझे मारने वाले पापी तो कोई और है। इन्होंने क्या गलती की है? इन्हें क्यों सजा दे रही है तू? बता, जवाब दे मुझे। एक दिन ये चारों लड़के किसी चोर की बातों में आकर मेरी कार के पास आए और मेरे हर्ष को बाहर निकाल कर इन लोगों ने उसे धक्का दे दिया। उसका सर पत्थर पे टकराया और उसकी जान चली गई। इसलिए इन्हें मारना ही मेरा लक्ष्य है। इसी पूर्णिमा की रात का मैं इंतजार कर रही थी और तू बीच में आ गया इन्हें बचाने के लिए। अब बता, मैं जो कर रही हूँ गलत है क्या? बोल बोल, मैं जो कर रही हूँ गलत है? मैं तेरी मदद करूंगा, तू इन्हें छोड़कर यहां से चली जाओ। स्वामी जी की बात मानकर वो आत्मा इन चार लोगों को छोड़ देती है, लेकिन उसे जिन पापियों ने इस हाल में पहुंचाया था उन पापियों को वो आत्मा जान से मारने की कसम खाती है।